पीड़िता को न्याय दिलाने एवं बाबा की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतरी ओबीसी महासभा एसपी को सौंपा ज्ञापन। खबर शिवपुरी से है, जहां पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ओबीसी महासभा ने आज पोलो ग्राउंड पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि ग्राम भाटी चौकी लुकवासा गाँव के मंदिर पर रहने वाला बाबा रामकिशोर दास उर्फ ब्रजेश शर्मा ने एक दिव्यांग छात्र के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। उसकी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाबा की गिरफ्तारी एवं बाबा को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आज ओबीसी महासभा ने पोलो ग्राउंड पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एसपी को आवेदन सौंपा। साथ ही उन्होंने बताया, अगर 7 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होती तो ओबीसी महासभा बड़ा कदम उठाते हुए सीएम हाउस का घेराव करेगी। साथ ही ओबीसी महासभा के पदाधिकारी का आरोप है कि भाजपा सरकार जातिवाद की राजनीति करती है। बाबा ब्राह्मण है, इसलिए उसे अभी तक सजा नहीं मिली। अगर पिछड़ा वर्ग या दलित होता तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाती। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह लोधी है। आज आप ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। ओबीसी महासभा से आज आपने जो प्रदर्शन किया है, आवेदन दिया है, किस संबंध में दिया है? शिवपुरी जिले के अंदर एक भाटी ग्राम है, वहाँ पर एक बाबा ब्रजेश शर्मा नाम का बाबा था। उसने धर्म की आड़ लेके महिलाओं को फुसलाया। इसके बाद एक बेटी के साथ उसने मंदिर में 7 बजे लगभग 1 महीने पहले, या मतलब सालों पहले, मतलब उसको बता रहे हैं कि गर्भ 7.5-8 महीने गर्भ है, तो उसने बलात्कार किया और उसने दबा के रखा उस परिवार को, जिस कारण वो बता नहीं पाई। लास्ट में जब हद पार हो गई तो उन्होंने एफआईआर कराई। 1 महीना एफआईआर हो गया, प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस कारण से ओबीसी महासभा को यहां पर आंदोलन करना पड़ रहा है और गिरफ्तारी की मांग करना पड़ रही है। गिरफ्तारी में यही मांग है कि जिस प्रकार से आप एक मुस्लिम अगर बलात्कारी है तो तुरंत उसको अरेस्ट करते हो, तो एक ब्रजेश शर्मा को बाबा जो है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो आपका मानना है कि जातिवाद चल रहा है, बलात्कारी है, कोई भी हो बलात्कारी होता है, सबको वैसे ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसा कि मुसलमानों के साथ करते हो, अन्य लोगों के साथ करते हो। यही पे अगर कोई ओबीसी एसटीसी का होता तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन क्योंकि ये उच्च कैटेगरी का ब्रजेश शर्मा नाम का बाबा है, इसलिए ये गिरफ्तार नहीं किया गया। और हमने 7 दिन का अल्टीमेट दिया है, अगर बाबा गिरफ्तार नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री घेराव करेंगे भोपाल में। इसकी तैयारी हम अभी शुरू कर देंगे। साथ क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो, जांच करो, इसके बाद जो न्याय सम्मत कार्रवाई है वो हो। अभी क्या सोचा मिला आपको यहाँ से? अभी उन्होंने कहा है कि हम लगातार लगे हैं, हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो कहाँ का है, क्या है, हमारे यहाँ आया था, तो मतलब बचकानी बातें प्रसन्न कर रहा है, सीधी सी बात है। कितने समय से रह रहा था? 7 दिन का। वो 5 साल से रह रहा है यहाँ पे, 5 साल से रह रहा है धर्म की आड़ में। और ये भी मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, ऐसे में तो हिंदू धर्म के ओबीसी एसटीसी के लोग फिर मंदिर में अपनी बहू बेटियों को भेजेंगे नहीं, अगर ऐसे बलात्कारी बैठे हैं तो। इसलिए आप मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि ये हमारी बात को सभी तक पहुंचाएं और जो कृत बाबा ने किया है उसके खिलाफ आप लोग आवाज हमारे साथ उठाएं। आज आपने एसपी साहब को आवेदन दिया है, किन संबंध में दिया है? कोलारस विधानसभा शिवपुरी जिले में भाटी गांव में एक बाबा ने विकलांग बच्ची के साथ कुछ खिलाफ इलाके वो लोगों को दवाई विभूति देता था, बलात्कार किया। जब उसको गर्भ ठहरा तो माँ बाप बेचारे गरीब जो लोग हैं उनको पता चला बाद में, उसकी एफआईआर दर्ज कराई है। 1 माह हो चुका है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 17 तारीख को तो इनके रिकॉर्ड में भी दर्ज है शिकायत, जो एफआईआर हुई है। उसके बाद अगर कहीं आतंकवादी होता तो अभी तक पुलिस प्रशासन उसको कहीं से भी खोज लाता। बाबा इतने लोगों से संपर्क में होगा, किसी से बात हुई होगी, जो मोबाइल नंबर होगा। अब प्रशासन कह रहा है कि फर्जी आईडी थी उसकी, पता नहीं चल रहा है। तो फर्जी आईडी है तो सही जांचना किसकी जिम्मेदारी है? 6 साल से वो एक धर्म का धंधा चला रहा है, धर्म के नाम पे माताओं बहनों से लेकर सभी के साथ अन्याय कर रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश प्रशासन और शिवपुरी प्रशासन से कहता हूँ कि 7 दिन का समय दिया हम सभी लोगों ने, ओबीसी महासभा से लेके भीम आर्मी, सभी पार्टियां थी, सभी लोग थे। जो सामाजिक न्याय की बात है, किसी के साथ अन्याय की बात है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश से डॉक्टर मनोज यादव हूँ। और उसकी पहल की गिरिराज जी ने दिन रात मेहनत करके उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमेशा आंदोलन भी करते रहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे समाज से भी लोग हैं, इनको भी प्रशासन नहीं सुनेगा और 7 दिन का समय दिया है। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो हम यहाँ पे शिवपुरी की सड़कों को जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट पे घेराव करेंगे। फिर भी अगर न्याय नहीं मिलेगा, वो गिरफ्तार 7 दिन के अंदर नहीं होगा, तो हम लोग भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करेंगे
फिर भी नहीं अगर माना जाएगा तो हम लोग संसद का भी घेराव दिल्ली में करेंगे, क्योंकि ऐसे और सारे जितने मंदिर हैं सबकी जांच होनी चाहिए, ऐसे जो फर्जी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छे संत हैं उनके लिए प्रणाम करता हूं, लेकिन ऐसे फर्जी बाबाओं पर जो झूठी आईडी छुपा के, आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दें और जाँच कराएँ। कहाँ से लोग एकत्रित हुए हैं? ये पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और हम लोग सिर्फ चेतावनी देने आए हैं, 7 दिन का समय देने आए हैं। नहीं होती अभी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा।